हेलो फ्रेंड्स, समृद्धिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृद्धिया को। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं। आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो आपको थोड़ा सा इरिटेशन होगा, तो सॉरी, इसके लिए आज आपको ये झेलना ही पड़ेगा। बट आज क्वेश्चंस लाना भी ज़रूरी है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लीजिए। एंथोसिरोस का जो टॉपिक है, एंथोसिरोटोप्सिडा, जो ब्रायोफाइट हम स्टडी कर रहे हैं, उसका हिपेटिकॉप्सिडा हम डिस्कस कर चुके हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा जो है उसका जो मैं देखना है आज हमें मेंबर, तो वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर ऑफ एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास इज कॉल्ड हॉर्नवर्ट। ये जो आपने देखा होगा कि इससे पहले जो हमने हिपेटिकॉप्सिडा पढ़ा था, तो उसके मेंबर्स को लीवरवर्ट कहा जाता है। तो उसका तो आंसर था कि लीवरवर्ट इसलिए क्योंकि कि पुराने टाइम में इसके जो मेंबर्स थे हिपेटिकॉप्सिडा के, उनको लीवर डिजीज में यूज किया जाता था, इसलिए उनको लीवरवर्ट बोलते हैं। बट इन केस ऑफ एंथोसिरोटॉप्सिडा जो है उनका क्या है, वो क्वेश्चन हमें देखना है कि इनको हॉर्नवर्ट क्यों कहा जाता है। हॉर्नवर्ट मतलब सिंह के आकार जैसा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में हॉर्न लाइक थैलस है, सेकेंड है हॉर्न लाइक गैमेटोफाइट, सी ऑप्शन है हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट, एंड डी है यूज्ड इन हॉर्न डिजीज। तो इसमें से आपको आंसर बताना है कि क्यों होता है। तो इसका आंसर करने से पहले आप देखिए, आप ये देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये वाला देखिए, इसमें आपको थैलस नजर आ रहा है, थैलस बना हुआ है यहाँ, ये जो है नीचे वाला पोर्शन थैलस है, और इसके ऊपर जो है वो स्पोरोफाइट ये बना हुआ है। तो स्पोरोफाइट में फुट है, सीटा है, एंड कैप्सूल है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर देखिए, ये जो कैप्सूल वाला पार्ट है, सॉरी कैप्सूल वाला जो पार्ट है वो आपको सींग के टाइप में दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए, इस वाले में भी, तो ये जो सींग हॉर्न की शेप में आपको नज़र आता है, इसी वजह से इसको हॉर्नवर्ट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्न लाइक, सॉरी हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट। हमारा ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉर्न लाइक स्पोरोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केल्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोट्स आर अब्सेंट इन, कि जो स्केल्स होते हैं एंड ट्यूबरकुलेटेड जो राइजोट्स होते हैं वो किसमें अब्सेंट होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंथोसिरोस, ठीक है, क्योंकि एरिक्सिया और मार्केंसिया में आपने देखे हैं कि वहाँ पर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस रिक्सिया मार्केंसिया में डिफरेंस ये होता है कि रिक्सिया के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, और मार्केंसिया में सिंपल और टिबर सॉरी अपेंडिकुलेट दोनों तरह के मिलते हैं, और एंथोसिरो उसमें स्केल्स जो होंगे वो अब्सेंट होंगे। साथ ही साथ जो है जो राइजोइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, सिंपल ही होंगे, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑर्गन आर एम्बेडेड इन, तो जो हिपेटिकॉप्सिडा जो हमने देखा था वो तो वो आपको याद आ रहा होगा कि उसमें किस तरह के होते हैं। जैसे रिक्सिया है उसमें आपको एपिडर्मिस के बीच में मिलेंगे, एपिडर्मिस का जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा। और मार्केंसिया के अंदर क्या था, मार्केंसिया में तो आपने देखे थे कि एक थैलस होता है, और थैलस के ऊपर जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इरेक्ट स्ट्रक्चर होती है। बट इन केस ऑफ एंथोसिरोस है, एंथोसिरोस में ये हाइपोडर्मल होते हैं, मतलब एपिडर्मिस से नीचे इनका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा यहाँ एंथोसिरोस, कि सेक्स ऑर्गन आर एम्बेडेड इन थैलस, तो इसमें आंसर हो जाएगा एंथोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेम ऑफ ब्रायोफाइट विच शोज नोस्टो कॉलोनीज इन द थैलस। इसको देखने से पहले आप ये देख लीजिए, इसमें सॉरी हाँ ये देखिए, इसमें अपर एपिडर्मिस है और बीच में सेल्स हैं, ठीक है, और बीच में आपको यहाँ ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है
इसमें आपको म्यूसिलेज कैविटी नज़र आ रही है, और इसके बीच में जो है वो नोस्टॉक जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एंथोसिरोज जो होता है उसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसकी, नोस्टॉक की। ये हमने एल्गी के इम्पोर्टेंस पढ़े थे उसमें भी मैंने डिस्कस किया था। इसके अलावा जो है आप यहाँ भी देख लीजिए कि एंथोसिरोज जो होगा उसके अंदर थैलस के अंदर म्यूसिलेज कैविटी होगी, और उस कैविटी में नोस्टॉक या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये क्या हो गया, एंडोफाइटिक हो गया एल्गी खुद भी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रायोफाइट के किस मेंबर में एंडोफाइटिक एल्गी आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ एल्गी का नाम नहीं देते, डायरेक्ट एंडोफाइटिक लिख देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ उस तरह का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह से क्वेश्चन डिजाइन होता है तो ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेम ऑफ ब्रायोफाइट वाला में एंथोसिरोस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द डेवलपमेंट ऑफ कॉलुमेला इन एंथोसिरोस बाई। ये देखने से पहले हम एक पूरा डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद में दो तीन तरह के क्वेश्चन है इस तरह के डिजाइन किए हैं मैंने, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये वाला देखिए आप, यहाँ जायगोट बनता है, जायगोट में डिवीजन होते हैं, डिवीजन होने से यहाँ पर इस तरीके से, एक मिनट थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर जायगोट में डिवीजन होने से बाहर की तरफ, सॉरी एम्पीथीसियम बाहर की तरफ जो है एम्पीथीसियम बनेगी और अंदर की तरफ एंडोथीसियम बनेगी, जिस तरीके से यहाँ बनी हुई है एम्पीथीसियम और एंडोथीसियम। ठीक है, तो फर्दर जो है इसमें डिवीजन होगा, डिवीजन होने से क्या होगा, कुछ सेल्स बनेगी, जैसे कि कॉलुमेला बनी है यहाँ सबसे अंदर की तरफ, उससे बाहर की तरफ जो लेयर बन रही है वो आर्केस पॉली लेयर बन रही है, और उसके बाहर जो बनेगी वो कैप्सूल वॉल बनेगी, ये जो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं। अब ये बनी दोनों हैं वो एम्पीथीसियम से और एंडोथीसियम से बनी है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉलुमेला किससे डेवलप हुआ है, तो उसका आंसर तो हो जाएगा एंडोथीसियम से, कॉलुमेला जो है वो एंडोथीसियम से बन रही है। ठीक है, और आर्के स्पोरियल सेल एंड कैप्सूल वॉल दोनों की दोनों ही किससे बनेगी, एम्फी एंडोथी, ये जो एम्फी जो पार्ट है इसमें, जैसे कि एंडोथीसियल और एम्फी थीसियल सेल से, तो एम्फी थीसियल से बनेगी। तो आपको ये याद यहाँ ये रखना है कि जो कैप्सूल बनता है वो एंडोथीसियल से बनता है, जैसे कि यह है एंडोथीसियम सेल्स। ठीक है, और जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं एंड कैप्सूल वॉल हैं वो बनेगी एम्पीथीसियम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फाइनल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यहाँ। सॉरी, ये देखिए कॉलुमेला अंदर की तरफ है, आर्के स्पोरियम बाहर की तरफ है, और कैप्सूल वॉल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये वाला डायग्राम और देख लीजिए आप, इसमें आप देखिए कैप्सूल जो है वो बीच में प्रेजेंट है, ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है बीच में, एकदम बीच में प्रेजेंट है थोड़ा सा, हाँ ये वाला, तो ये कैप्सूल है, सॉरी कॉलुमेला है, और उसके दोनों तरफ जो है वो आर्के स्पोरियल सेल्स हैं जिनसे स्पोरोजिनस सेल्स बनेंगे, और स्पोरोजिनस सेल्स से यहाँ पर आपको ये देखिए इसमें यहाँ ये बीच में कॉलुमेला है और ये आर्के स्पोरियल पार्ट है दोनों तरफ, जिसमें आपको स्पोर्स एंड स्यूडो इलेटस आपको देखने को मिलेंगे, और इधर की तरफ ये कैप्सूल वॉल हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनता है स्पोरोफाइट के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने, अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि द डेवलपमेंट ऑफ कॉलुमेला इन एंथोसिरोस बाई, तो इसमें देखिए एम्पीथीसियम एंडोथीसियम मैंने आपको बताया था, बट यहाँ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है हॉल एंडोथीसियम एंड आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा, अगर हॉल एंडोथीसियम आउटर लेयर एंडोथीसियम अगर ना ही दिया होता तो एंडोथीसियम डायरेक्ट होता, बट यहाँ हॉल एंडोथीसियम दिया है तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉल एंडोथीसियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एंथोसिरोस द स्पोरोजिनस टिश्यू इज डेराइव्ड इट। जो स्पोरोजिनस मैंने आपको बताया, स्पोरोजिनस जो होगा वो आर्केस्पोरियम से डेवलप होता है, तो आर्केस्पोरियम जो बना वो किससे बना था, एम्फीथीसियम से, तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना एम्फीथीसियम से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे डिफरेंट है, और वो ये है कि इलॉन्गेटेड, सबसे पहले तो एंथोसिरोस के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो होता है इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्पोरोफाइट होती है, तो किस तरीके से इरेक्ट थी और आगे ऊपर जाके जो कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो इसका इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल स्पोरोफाइट है, तो ये किसका करेक्टरिस्टिक है, तो एंथोसिरोस का, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा एंथोसिरोस, ठीक है। साथ ही साथ देखो आपको एक बात याद, और यहाँ दो बातें और याद रखनी है कि इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए ग्रोथ करता है। इसकी जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, अनिश्चित समय के लिए होती है, मतलब होती ही रहती है। इसकी वजह क्या है कि इसके बेस पर जो है, मतलब जैसे कि नीचे फुट होगा और फुट के ऊपर जो है यहाँ पर मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये अपन डायग्राम में देख लेते हैं फिर से। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसमें ये था, इस वाले में ये देखिए आप, यहाँ ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ फुट है, ठीक है, नीचे की तरफ, और ये थैलस वाला पोर्शन है नीचे, थैलस मतलब गैमेटोफिटिक थैलस है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। तो ये थैलस है, नीचे फुट है, फिर उसके ऊपर मेरिस्मेटिक जोन है। तो इसका मतलब ये है कि जो फुट तो यहाँ रह गया और मेरिस्मेटिक जो है जोन यहाँ है, तो फुट से जस्ट ऊपर की तरफ जो होता है मेरिस्मेटिक रीजन होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जो मेरिस्मेटिक जोन होता है वो फुट से ऊपर होता है और सीटा से नीचे होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेरिस्मेटिक जोन है, एक तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, दूसरा वजह ये है कि इसकी वजह से जो होता है वह इनडेफिनिट पीरियड के लिए ग्रोथ करता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं कि इलॉन्गेटेड सिलेंड्रिकल स्पोरोजिनस इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर, किसका हो गया, एंथोसिरोस का हो गया, नहीं, ठीक है। एंड ये भी देख लीजिए, इन एंथोसिरोस द मेरिस्मेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन, ये आप तुरंत कर दोगे, आपको पता चल गया कि एट द बेस ऑफ स्पोरोगोनियम जस्ट अबोव द फुट, जो मैंने आपको दिखाया था कि फुट होता है उसके ऊपर जस्ट ऊपर की तरफ ही ये होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ अब ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एंथोसिरोस को समराइज करने के लिए। तो इसमें आप देखिए कि कैप्सूल इज इरेक्ट एंड सिलेंड्रिकल, हाँ ठीक है, कैप्सूल वॉल इज स्टोमेटा, ये भी जो है वो सही है, कैप्सूल वॉल जो होती है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इलेटर्स आर विदाउट थिकनिंग बैंड्स, ये ऑप्शन आपको कैसा लगता है, ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि इसी वजह से ही इसे क्या कहते हैं, स्यूडो इलेटर्स कहते हैं, कि भाई इलेटर और स्यूडो इलेटर में क्या डिफरेंस है, कि जो स्यूडो इलेटर्स होते हैं उसमें थिकनिंग बैंड्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इलेटर्स आर विदाउट थिकनिंग बैंड्स इज कॉल्ड स्यूडो इलेटर्स, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो आर्केस्पोरियम डेवलप्स फ्रॉम एंडोथीसियम, तो ये आपको याद होगा कि एंडोथीसियम से तो यहाँ कोलिमेला ही डेवलप होता है, एम्पीथीसियम से जो है आर्केस्पोरियम एंड कैप्सूल वॉल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से एंडोथीसियम जो है वो गलत है, तो हमारे लास्ट ऑप्शन जो है वो गलत है। तो यहाँ जो है विच इज फॉल्स अबाउट एंथोसिरोस, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लास्ट देखिए, विच स्ट्रक्चर डेवलप्स इन आर्केस्पोरियम ऑफ एंथोसिरोस, तो आर्केस्पोरियम में हमने देखा था कि क्या क्या बना हुआ था, वो देखिए ऑप्शंस हमारे पास में, स्पोर, स्पोर्स एंड इलेटर्स, स्पोर एंड स्यूडो इलेटर्स एंड स्पोर एंड न्यूट्रिटिव सेल्स, तो यहाँ स्पोर्स भी बनेंगे और स्यूडो इलेटर्स बनेंगे, इसलिए ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ये थे एंथोसिरोस से कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं जन। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, साथ ही साथ दोस्तों देखो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जो है मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूँ। थैंक यू।